अब आप बताइए हमें तो पकड़े हेलो माय डियर टू फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ मकर संक्रांति मना रहे होंगे और मीठे मीठे लड्डुओं का स्वाद ले रहे होंगे। दोस्तों, तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में, गाइज, विद एक्सरसाइज एंड योगा। तो गाइज, ये कल की क्लिप्स हैं। कल ब्लॉग हमने बना लिया था बट एडिटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि ब्लॉग बनाने में गाइज इतना टाइम नहीं लगता है जितनी ज़्यादा उसको एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो ब्लॉग हमारा कंप्लीट था, बस हम एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला हमें बिल्कुल भी कल, तो उसको हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुबह सुबह की एक्सरसाइज और उसके बाद में अपने कुछ काम स्टार्ट करते हैं। कल हमारा सॉल फ्री डे था गाइज, तो जिसका हमने ब्लॉग बनाया था और आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि इस समय कुछ बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारा, क्योंकि घर में चल रहा है कामकाज, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ चल रही थी अभी तक। अब तो खैर इतना नहीं है बट फिर भी बहुत मैसी हो रखा है पूरा घर, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है दोस्तों। बहुत कम समय मिलता है कि हम ब्लॉग बना सकें और उसको एडिट कर सकें। जितना भी मतलब साफ़ सफाई करो, बार बार अंदर किसकिस आ जाती है परेशान हो गए हैं, लगभग दो महीने हो गए गाइस। तो अब सोच रहे हैं कि अब हम बंद करा देंगे जल्दी से ही, दो तीन दिनों में काम, क्योंकि घर में छोटे भाई की शादी भी आ रही है। तो बस गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा योगा और एक्सरसाइज चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 32 बार के साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ स्टेप्स हैं जो हम आप सभी के लिए शेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, इन्हें अगर आप करते हो तो बॉडी, आपकी बॉडी शेप जो है बहुत अच्छा हो जाता है ये सारी स्टेप्स फॉलो करने से। सो गाइस, ये नाश्ता है हमारा और बच्चों को भी, अभी हमने फ्रूट्स ही दिए हैं कट करके, और इसके बाद में थोड़ी देर से हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाने जा रहे हैं गाइस। तो अभी फिलहाल हम ये खा लेंगे और उसके बाद थोड़ी देर से बनाएंगे सैंडविच। तो यही है हमारा नाश्ता, पपाया कट किए हुए। तो कहीं दोपहर का लंच बना रहे हैं हम, सुबह सुबह मतलब हम सब्जी बनाए दे रहे हैं, बना रहे हैं बेसन की सब्ज़ी है ये, अभी इसी के साथ हम बना ले रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे, आज हमारा सॉल्ट फ्री डे है गाइस, तो आज ब्रेकफास्ट में हम बनाने वाले हैं गाजर का चीला, जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जी, वेट लॉस की जर्नी में हम जब भी सॉल्ट फ्री डे करते हैं तो हमें अपनी मील में सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा टेस्टी, यमी, मतलब हर तरह से अच्छा जो फूड लगता है वो चीला ही है। हम कभी चुकंदर का चीला, कभी गाजर का चीला, कभी पनीर का, इस तरह से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जो कि खाने में भी काफ़ी यमी लगता है गाइस और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसी के चलते आज हम आपके साथ गाजर का चीला शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हो आप, गाजर तो हम सभी जानते हैं हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है, हेल्दी होती है और कैरेटीन इसमें अच्छी मात्रा में होता है। तो इसमें हमने इस तरह से पील कर ली गाजर और इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके एक ग्राइंडर जार में ऐड कर दिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है, मतलब ये मैं बता रहा हूं, तो इसमें लग सकती है। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पतली का सर थोड़ा सा क्योंकि पीछे साइड में पहले ज्यादा है, तो पीछे साइड में लगाइए ऐसे, उसके बाद में पकड़े रहिए अगर करके टाइटली। हाँ, अब रुक रुक रुक, एक सेकंड, बेटा 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 कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक? एक और लोग ये ना बोले लगे कि वो देखो वो बनियान वाला आदमी जिसमें दिखाई देता है, क्योंकि हर ब्लॉग में बनियान ही पहने रहते थे। पड़ा पड़ा छोटी पाठशाला कान कसाला पड़ा पड़ा छोटी पाठशाला।
तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी मस्ती के बाद यहाँ पे चलते हैं अपने चीले की तरफ। और गाजर में हमने यहाँ पे हाफ कप सूजी ऐड करी है, मोटी वाली सूजी है ये। और इसके बाद में हमने इसमें एक एग ऐड कर दिया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वेट लूज़ की जर्नी में होते हैं या एक्सरसाइज वगैरह जब कर रहे होते हैं, तो एग हमारे लिए कितना हेल्पफुल होता है। प्रोटीन एग में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो बस इस तरह से काफ़ी हटके इसका टेस्ट लगता है दोस्तों, एक बार बनाइए ज़रूर आप इस तरह से। और बस 2-2.5 चम्मच इसमें हमने दही ऐड कर लिया। और सॉल्ट हम ऐड करेंगे नहीं, जब भी आप बनाओ तो सबसे, जब भी आप पहली बार बनाओ तो सॉल्ट ज़रूर ऐड करना, क्योंकि इसका टेस्ट आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप सॉल्ट फ्री डे पर भी इसको बना सकते हो। और उसके बाद एक हरी इलायची और कुछ काली मिर्च, बस इतनी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी और काफ़ी यमी बनता है, अलग एकदम से हटके इसका टेस्ट आता है। और ये ऑलिव ऑयल में ही हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो टेस्ट है ना दोस्तों, एकदम से लाइट रहता है, कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है इसमें। और सेम यही कंडीशन इस चीले की होती है कि इसका भी कोई हार्ड टेस्ट नहीं आता है निकल के, कोई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डालते हैं इसका कोई हार्ड, बस छोटी इलायची जो हमने ऐड करी है उसकी हल्की हल्की सी खुशबू रह जाती है, काफ़ी यमी टेस्टी लगता है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर से बनाइए इस तरह से। तो बस दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी हमारा वेट बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा मोटे दिखने लगते हैं, उसके बाद जब हमें होश आता है ना कि हमें अपना वज़न कम करना चाहिए, और लेकिन तब तक ना समय हाथ से निकल चुका होता है। तो अभी भी कुछ नहीं है, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी से, इनफैक्ट अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप आप जो ले सकते हो, जिसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टफ़ नहीं लगेगा, आप सिर्फ सिंपली अपनी जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसी में आप स्टार्ट कर सकते हो, वो है 32 बार। आप 32 बार आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी आदतें अपनी चेंज करिए, कुछ चीज़ें अपनी आदतों में लाइए। क्योंकि दोस्तों, मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हम ना हर चीज़ करके परेशान हो चुके थे, अच्छा ही लगता था कि वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और खुद अंदर से अच्छा फील नहीं होता था। बट जब समझ में आया और हमने वक्त रहते अपने वेट को कवर कर लिया, तो आज खुशी होती है कि हाँ, समय रहते हम मेरी आंखें खुल गई और हमने अपने वेट को कवर कर लिया। तो देख सकते हो अब ये चीला सिकने के बाद कितना यम्मी लग रहा था, कितना क्रंची, बाहर से बहुत ही क्रंची, अंदर से एकदम से सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही बनाइए आप भी और खाइए। और ये चीला आपके वेट को भी नहीं बढ़ाएगा, फैट इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। और साइड में अब तक हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों, 10:30-11 का टाइम है। अब इससे पहले हम करेंगे अपना नाश्ता और फिर बनाएंगे लंच के लिए रोटियां और थोड़े से चावल, जो कि सिर्फ और पति जी खाने वाले हैं। बच्चों को सर्दियों में हम लोग चावल नहीं देते हैं। हाँ, कल थोड़ी सी खिचड़ी ज़रूर बनाएंगे जो सबको ही खिलाएंगे, क्योंकि कल तो खिचड़ी बनती ही है गाइस। तो बस चलिए, बन गया है हमारा ब्रेकफास्ट, कर लेते हैं फटाफट से, आप भी आ जाइए दोस्तों। गाइस, मेरी सॉल्ट फ्री थाली हो चुकी है तैयार, तो चलिए आराम से बैठ के खाते हैं। और बच्चों ने और पति जी ने सबने कर लिया है अपना अपना नाश्ता, और बस यही है हमारी सॉल्ट फ्री डे में आज। और शाम को हम कुछ सैलेड लेंगे और ओट्स बनाएंगे, या फिर तो हम ब्राउन राइस बना लेंगे, बस इतना रहेगा। तो इसी तरह से हमारा सॉल्ट फ्री डे कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस, ये हमारे 2 चीले हैं, 2 नहीं खाएंगे हम, ये बच्चों की वजह से रख लेंगे, क्योंकि बच्चों को आदत है मेरे साथ खाने की। एक में हो जाएगा क्योंकि 32 बार करके इसको च्यू करके खाना है, और बच्चों को मेरे साथ खाने की आदत है, स्पेशली भैया जी को, वो मेरे खाते हैं। तो बस गाइस, ये हैं, बहुत ही सॉफ्ट से रहते हैं, देखिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। नहीं, बच्चों को अलाउड नहीं होता है, ओवन के अंदर ज़ॉम्बी बैठा होता है, लाओ हम रख दें। तो गाजर का चीला भी हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी, तो ऑफकोर्स ये है ही, क्योंकि इसमें दही भी पड़ा है और एग भी है। तो आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई